अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अम्मी क्या पक रहा है आज? आज हम चिकन पुलाव बना रहे हैं, झटपट तैयार हो जाने वाला क्विक पुलाव। अच्छा, व्हाइट चिकन पुलाव। व्हाइट पुलाव चिकन पुलाव। मेहमान आ गए अचानक अचानक तो जल्दी से तैयार हो जाएगा, आधा घंटे में पक जाता है। अच्छा, इसमें क्या चाहिए? इसमें चावल है 1 किलो। अच्छा, ये चिकन है 1.5 किलो। चावल है 1 किलो, चिकन है 1.5 किलो। ये प्याज 3 बड़ी साइज की। और ये मसाले डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, मसालों में क्या क्या है? 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर है जो कूट लिया है, कूटा हुआ साबुत धनिया है। सही। ये नमक है 2 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। और ये गरम मसाला है, ये मिक्स गरम मसाला है। 1-2-3 हरी मिर्च रखी है, बादियान के फूल हैं, और ये पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा खुशबू के लिए, ये भी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून है। और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून है, दोनों को मिक्स मिला के। और इसमें ऑयल जाएगा, ऑयल घी जाएगा और दही। जब डालेंगे तो आपको बता देंगे कितनी देर, कितना दही का, फिर आपको बताते हैं क्वांटिटी कितनी डालते हैं। तो फिर बनाना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, 2 चम्मच बिस्मिल्लाह करते हैं। ये प्याज भुन गई, फ्राई हो गई, तो हम आधी तो निकाल लेंगे गार्निश के लिए। अब ये डालते हैं लहसुन का, अदरक का पेस्ट, चिकन डालते हैं। आपने जैसे डाला लहसुन के साथ ही चिकन को भूनते हैं, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको भूनेंगे। फ्राई करेंगे लहसुन की पेस्ट के साथ, तो फ्राई करके फिर दिखाते हैं आपको। ये हमने हो गया है, ये अच्छी तरीके से देखेंगे फ्राई हो गया है चिकन हमारा, हाफ डन हो गया ये। हाँ, फ्राई करना है आपने कि हाफ डन हो जाए। ये मसाले डाल के सही मसाले सारे डाल दिए, नमक चला दो, आपने 5 मिनट मसाले को फ्राई करना है ताकि आपका जो जो आपने सौंफ और जीरा वगैरह डाला है उससे अच्छी खुशबू आ जाए। 5 मिनट फ्राई करके फिर हम इसमें बाकी में डालते हैं। अब ये अच्छी तरह भून गया है चिकन, अब हम इसमें दही डालते हैं। डाल देंगे और चम्मच से मेल्ट हो जाएगा। ये मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिए हैं दही के। दही को भी अच्छी तरीके से भून लें, मतलब कि दही नज़र ना आए इतना उसको उसमें कर लें कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब चावल डाल रहे हैं हम इसमें। चावल जो है आपके हमने आधा घंटे पहले भिगोए थे, तो अब आपके चावल पर डिपेंड करता है कि चावल कौन सा है, उतनी देर पहले उसको भिगो दें और इसमें मिला दें। ये चावल में अम्मी पानी कितना, आपने कितना पानी डालना है इसमें? 5 गिलास चावल, क्योंकि हमारे चावल भीगे हुए हैं इसलिए हम तकरीबन 5 गिलास पानी का डालेंगे। सही, क्योंकि 1 गिलास 3 गिलास हमारे बनते हैं 1 किलो, तो 1 किलो में मतलब जाते हैं 6 गिलास, लेकिन हमने इनको भिगोया हुआ है तो हमारे 5 गिलास में चावल हो जाएंगे। अब इसको कवर करके रखते हैं और फिर इसका नमक भी आप इस पर चख लीजिएगा कि कैसा है
अगर आपको नमक ऐड करना है तो हम नमक ऐड कर दें। तो अब इसको फिर मैं आपको दिखाती हूँ 15 मिनट बाद। फ्लेम अभी तो तेज ही रखना है, इसको ऊपर उबाला आ जाएगा तो फिर हम इसको दब पे लगाएंगे, जब धीमा कर देंगे। सही है, ठीक है, सही है। तो अभी तेज करते हैं, अभी तेज करते हैं और जब ये बॉयल होने लगेगा तो फिर हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ जब ये बॉयल होने लगता है। अब खोल के देखते हैं, बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह, अब ये तेज आंच पे थे, बबल आने लगी है, गर्म उबाल आ गया, सही उबाल आ गया है। अब इसको दम, अब इसकी आंच हल्की कर देते हैं। तो हल्की आंच करके आप 15 से 20 मिनट के लिए रखें हल्की आंच पे। बिस्मिल्लाह करके इसको खोलते हैं, ये देखें। हो गए ये माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हो गए ये माशाल्लाह। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें, डिश आउट कर लिया है हमने। दाल तभी इसके साथ है, ये सफेद पुलाव है, देखें झटपट तैयार हो जाने वाला पुलाव है। एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें और मज़े लेके खाएं। हमें इजाज़त दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह आप सबको दीन और दुनिया की खुशियाँ नसीब करें। आप हमें दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बताइएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।